सबसे पहले ये इस दस्तरखान फैमिली रेस्टोरेंट के मालिक को जो है मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए, अल्लाह ताला इस कारोबार को अल्लाह ताला जो है तरक्की पहुंचाए, इसमें अल्लाह ताला इनको जो है बरकत अता फरमाए। शुरू से ही जो है होस्कोटे में एक चीज़ की कमी थी, वो क्या बोले तो एक पाक साफ बेड जगह में जो है एक अच्छा सा एक पाक साफ खाना खाने की जो है बहुत दिनों से जो है एक कमी महसूस होने कर थी। हम लोग भी जब भी इधर से सफ़र करते या फिर इधर बाहर जो खाने का मौका मिलता, लोग दिल में एक घुटन होती थी कि कहीं भी एक जगह जो है एक पाक साफ बैठ कर एक पाक साफ खाना खाने का एक मौका नहीं है बोलकर। कहीं भी जाते तो रोडों पर जो है फुटपाथ जैसे एक होटल है इधर ही थी, मगर एक बेहतरीन अंदाज में एक खुशहाल माहौल में एक पाक साफ माहौल में जिसमें बहुत सारे चीज़ों की जो सहूलियात रखी गई है फैमिली के साथ बैठकर खाना खाने के लिए और फ्रेंड्स के लिए, और पार्टी वार्टी कुछ करना है तो इसके लिए, और इसके साथ साथ जो है नमाज का हाँ एक प्रेयर हॉल का भी एक इंतज़ाम किया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है मस्तूरात को लेकर आकर भी आराम से हम लोग खाना यहाँ पर खा सकते हैं। जहाँ तक यहाँ आसपास के इलाके में जो है ऐसा एक फैमिली के लोग जो है जाकर आराम से बैठ कर एक पर्दे के माहौल में जो है जाकर एक बेहतरीन खाना खाना बोले तो बहुत लंबा दूर दूर तक। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु तमाम भाइयों और बहनों को अदबन सलाम अर्ज़ है, और तमाम हमारे दूसरे भाइयों को गुड इवनिंग भी कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम सैयद अफजल है, मैं होस्कोटे के हमारे बहुत सारे भाइयों से भी जो है ना अदबन जो है ना उनसे दरख्वास्त भी है, और सब लोगों से जो है आप लोगों की दुआओं का ही असर है कि अल्लाह ताला ने जो है हम लोगों को एक खिदमत का मौका दिया या एक अच्छे बिज़नेस का मौका दिया। मैं बताना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से सभी लोगों की एक ख्वाहिश थी यहाँ पर कि एक अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट हो जिसमें तमाम सहूलियत मुहैया हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रेस्टोरेंट तो हैं लेकिन उस हिसाब के नहीं हैं जिसमें जो है ना औरतों को पर्दे का निज़ाम हो, लोगों के लिए जो है ना पाक साफ जो है ना क्लीन एंड हाइजीनिक फूड मिले, ऐसे नहीं थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, सब लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला ने हम लोगों को जो है इस काम की जो है ना तौफीक बख्शी। अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस बिज़नेस को, हमारे इस काम को जो है ना आफियत के साथ आगे बढ़ाए, नज़र बच्ची भी बचाए। हमारा काम जो है यहाँ पर ये जो आप लोगों का नाम दिया गया है दस्तरखान फैमिली रेस्टोरेंट बोलकर, इसके देने वाले हमारे हज़रत मोहतरम मौलाना तलहा साहब दामत बरकातुहुल आलिया नक्शबंदी, जो सिलसिले आलिया नक्शबंदिया के जो है ना मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के जो खलीफा है, उनके मशवरे से उन्हीं के दिए हुए नाम से हम लोगों ने, उनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये रेस्टोरेंट का आगाज़ किया है। इंशाल्लाह एक ऐसा एक रेस्टोरेंट है जिसमें हम लोगों ने सारी सहूलतों का निज़ाम देखकर सब लोगों को जो है ना आफियत के साथ कैसे खाना मुहैया भी हो और उनके ज़रूरियात भी कैसे पूरे हो, जैसे कि क्लीन एंड सेफ टॉयलेट्स विद सेपरेट फॉर लेडीज़ एंड जेंट्स, और अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन एंड हाइजीनिक फूड। यहाँ पर जलसा भी जो है बनाया गया है कि जलसे में भी बैठकर जो है लोग जी, हमारी जो मजलिस जो तय की गई है, चूँकि हम हैं ही जो है ना बंदे अल्लाह के, हम ग़ुलाम हैं। आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया के लिए जो रहमत बनकर आए थे, उनकी एक एक सुन्नत भी सारी उम्मत के लिए रहमत है। उन्हीं का यह तर्ज़ है कि उन्हीं की तालीम के ऊपर जो है ना उन्होंने हमें सिखाया बैठकर खाना, दस्तरखान बिछा कर खाना, इसलिए हम लोगों ने ये सुन्नत को जो है ना सामने रख कर इस दस्तरखान को जो है ना हम लोगों ने जो है नीचे बिठा कर खाने का भी जो है ना माखूल इंतज़ाम के साथ, पर्दे का अहतमाम के साथ हम लोगों ने दो मजलिस अरेबियन स्टाइल, जो आप मंदी कह सकते हैं, अरेबियन स्टाइल कह सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं बेंगलोर में जो आपके नामदार रेस्टोरेंट्स है, ऐसा एक अच्छे से अच्छा मुनज़म अंदाज का एक दो मजलिसें हमने बनाई अरेबियन स्टाइल के बैठकर खाने के, एक फैमिली भी रूम बनाई है, जनरल डाइनिंग भी हमने रखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफिर चूँकि बहुत सारे गुजरते हैं, इन लोगों को जो है ना आफियत के लिए हम लोगों ने नमाज का भी जो है ना इंतज़ाम किया है, मुसल्ले का, आफियत के साथ लोग नमाज भी पढ़े, खाना भी खाएँ, और जो है ना आफियत के साथ यहाँ से रुखसत हो। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से अच्छा खाना, हमारा मेन्यू भी हमने जो है डिज़ाइन किया है वो मुनासिब अंदाज़ में अच्छे से अच्छी चीज़ देने की हम कोशिश करेंगे। शेफ़ हैं, मास्टर शेफ़ हमारे जो अंसर अली भाई हैं,
वो शेरेटन ग्रैंड के नाम से आप जो होटल्स जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो 12,000 होटल्स की फाइव स्टार की चेन है उनकी, वहाँ के मास्टर शेफ़ के असिस्टेंट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास 10 साल का फाइव स्टार एक्सपीरियंस है। ये जो है ना बाहर जो है ना चिली और कोरिया इटली सब जाकर आए हैं ट्रेनिंग करने के लिए। जब बंदा ट्रेनिंग के लिए जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर काबिलियत क्या होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास वास एक्सपीरियंस है 20 साल का। हमारे कुक्स भी हैं जो पैराडाइज बिरयानी में जिन्होंने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े नामदार रेस्टोरेंट में काम किया। हम पूरा ख्याल रखेंगे यानी कि मुल्क और बैरूनी मुल्क के जायके से लोग यहाँ वाकिफ हो सकते हैं इंशाल्लाह। हमारे मेन्यू में हम लोगों ने खुसूसी तौर पर हम लोगों ने तंदूर जो है ना यहाँ की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हम लोग जो है ना तंदूर में जो है ना वैरायटी देंगे, अच्छी से अच्छी वैरायटी देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी भी हमारी बासमती बिरयानी जो हमारी चिकन हो या मटन हो अच्छे अंदाज में, टीटर्स हो जो भी है अच्छे से अच्छे अंदाज में हम पूरी कोशिश करेंगे हमारे कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छी चीज़ देंगे, हाइजीनिक देंगे, मुनासिब दाम में भी इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। हमारा लोकेशन यह है होस्कोटे NH4, ये बेंगलोर टू मद्रास ओल्ड मद्रास रोड है। हमारे से मुत्तसिल SBI बैंक है। अपोजिट पे हमारे रिलायंस पेट्रोल पंप है। जैसे आप होस्कोटे की फ्लाईओवर चढ़ के उतरेंगे पहली फ्लाईओवर तो इंशाल्लाह टोल के बाद जैसे ही आप मुड़ेंगे राइट साइड के तौर पर हमारी दस्तरखान फैमिली रेस्टोरेंट आपके लिए, बैंगलोर से आने वालों के लिए, कोलार चिंतामणि मालूर से आने के लिए आपके लेफ्ट पर पड़ेगी। दस्तरखान फैमिली रेस्टोरेंट नेक्स्ट टू SBI SME ब्रांच होस्कोटे NH75। कुछ नंबर है तो बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं आप 9886262182 मेरा नंबर है। और हमारे जो मैनेजर हैं हमारे अली भाई उनका नंबर 8088476103 8088476103। नाम अपना? मेरा नाम सैयद अफजल है। बताइए सर, आज जो है आप रेस्टोरेंट में तशरीफ़ फरमाए, कैसा यहाँ का जायका रहा और क्या कहना चाहेंगे लोगों को? अच्छा, शहर होस्कोटे के लिए एक नहायत ही बेहतरीन यहाँ इंतजाम हैं। बहुत ही उम्दा तरीके से और बहुत ही हाइजीनिक कंडीशंस में ये रेस्टोरेंट खुला है और खाने में बन है बहुत ही लजीज खाने इंशाल्लाह यहाँ मिलेंगे। और ये हाईवे से बिल्कुल करीब लग के है और इंशाल्लाह अच्छी सर्विस भी लेकिन शायद उम्मीद है, हमें उम्मीद है आगे चल कर बहुत तरक्की करें इंशाल्लाह। तो क्योंकि इधर तो हम इधर आके देखे हमें बहुत से सहूलत है इधर, जैसे हर एक बात को भी सहूलत अच्छी है और खाना भी बेहतरीन खाना इधर, टेस्ट भी अच्छा है, रेट भी रीजनेबल है। फैमिली को लेकर आके इधर खाने को अच्छा सहूलत भी है, वोशा पर्दा भी है और सुन्नत तरीके से बच्चे बैठ को खाने को भी सहूलत है। हर बात से हम ना ये एकदम ओके है। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सब चीज़ से हमारे को अच्छी तरह लग रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत सहूलतें हैं, खाने पानी का इंतज़ाम भी अच्छा है, बहुत टेस्ट में भी है और मकसद को ले गए तो सही जगह है, बेड को खाने के लिए भी अच्छा है, सब चीज़ से सहूलत है, करीब भाई अपेक्ष है, बहुत सा अच्छा लगा हमारे को, उसके लिए हम आने जाने के लिए पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर ये रोड में अच्छी होटल का तो बेहतर से बेहतर है। कहाँ कौन से रोड में? ओल्ड मद्रास रोड SBI बैंक के पास होस्कोटे। होस्कोटे जायका है और क्या कहना चाहेंगे लोगों को यहाँ के जायके से, कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह होस्कोटे में जो एक होटल बना कर है ये हमारा अतराफ एरिया में काम भी ऐसी छोटी मोटी होटल नहीं है, अच्छी होटलें हैं और इतनी पाको साफ और मस्तूरात के निज़ाम के बारे में और हमारे सब दीनदार भाइयों के दूसरे भाइयों के सहूलत के वास्ते ये बना कर है, बहुत अच्छे से अच्छा निज़ाम है। आप सब एक बार आइए, आकर देखकर आप सब जी बताइए आपका तारुफ़ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अंसर अली है, मैं होटल इंडस्ट्रीज में 22 ईयर से हूँ। मैं शेरेटन यशवंतपुर फाइव स्टार में 9.5 से मेरी एक्सपीरियंस है और इंडियन फूड फेस्टिवल जो साउथ कोरिया वहाँ पे भी जाके करता है। मेरा जो एक्सपीरियंस इंडियन कुजीन में है, इंडियन एंड तंदूर।
तो यहाँ पर जो है एक नई शुरुआत हुई है, तो यहाँ का जायका किस तरह जो है लोगों को देना पसंद करेंगे? हाइजीन फूड इसमें है और उसमें बहुत अच्छा फाइव स्टार इसमें है। तो यहाँ जो चीज़ें बन रही हैं उसमें सबसे ख़ास कहें स्पेशल किन चीज़ों में रहेगा? इसमें मुर्ग मलाई लजीज बहुत यूनिक रहेगा। और एक सेकंड साहब।